जो लगातार ये संपर्क कर रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह किया जाए कि वो अपनी धर्मपत्नी और हमारी बेटी कुधेरा से जो चुनाव लड़ाएं और हमें विकास में भागीदार बनने का मौका दें। रहेगी कि ये कोई समय नहीं है, आने वाला समय जब 10 जुलाई का होगा, फसल पीक पे होगी, फसल का बुहाई शुरू हो जाएगी, लोग वहाँ व्यस्त रहेंगे, लेकिन अब चुनाव का जो ये भंडा लोगों के सिर पे फोड़ दिया है, इसके लिए दोषी कौन है? सबसे पहले तो सवाल ये रहेगा, ऐसी कौन सी आवश्यकता पड़ी थी कि मैंने इस पद के लिए रिज़ाइन कर देना है? रिज़ाइन की क्या ज़रूरत थी? उसका जवाब देना अति आवश्यक है। अब कौन सा उन्होंने रूलिंग में बैठ जाना है, मंत्री बन जाना है, मुख्यमंत्री बन जाना है, जिसके लिए उन्हें चुनाव में जाना पड़ा? ऐसा तो कुछ नहीं था। लोगों, बुद्धिमान लोगों का पहला सवाल ये है कि जो निर्दलीय विधायक होता है उससे बड़ी सुविधा किसी को नहीं होती, उसको आज़ाद कहा जाता है, और आज़ाद गुलाम होना चाहे तो ये तो वही बताएगा कि उसको क्या ज़रूरत पड़ी थी कि मैंने गुलाम हो जाना है। तो इन्हीं बातों को मद्देनज़र रखते हुए हमने ये बुद्धिजीवियों की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है उधेरा में रखी है, और हम उधेरा की जनता से ये अपील करते हैं कि ऐसे व्यक्ति को जो अपने पैर पे गुलाड़ी मारता है वो दूसरे का गला काटने में देरी। साहब, प्रश्न ये है कि उन्होंने ये कहकर इस्तीफा दिया कि उनके विकास कार्य नहीं हो पा रहे थे उधेरा में, इसका सवाल, इस सवाल का जवाब ये है कि उन्होंने हमेशा कहा कि मैंने फलां सरकार से इतने पैसे लिए, फलां, उसका सब पहला जवाब ये है, माननीय मुख्यमंत्री जब हरिपुर में आए तो उन्होंने सबसे बड़ी घोषणा, हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी घोषणा हरिपुर में उधेरा के हित में की। उधेरा के साथ माननीय मुख्यमंत्री का जो प्रेम है वो किसी से छिपा नहीं है, उनका पैतृक गांव जो बुजुर्ग हैं वो उधेरा से ही संबंधित रहे हैं, और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती कमलेश ठाकुर जी हमारी इलाके की बेटी हैं, और ये हमारा सौभाग्य है। आज के ज़माने में बेटा और बेटी को बराबर की संज्ञा दी जाती है, चाहे सरकार कोई भी रही हो, आजकल ये नारा है बेटा और बेटी में कोई भी फर्क नहीं होगा, बराबर की। अगर माननीय मुख्यमंत्री नदौन के हैं तो हम जो उनकी धर्मपत्नी है उसका संबंध उधेरा से है, वो उधेरा तहसील की बेटी है, और उनका भी लगाव जो उधेरा से, उनकी सारी रिश्तेदारियाँ, उनके वो पढ़ाई लिखाई डलियारा में हुई है, सारा कुछ उधेरा से संबंधित है। तो इसके लिए हम चाहेंगे, उधेरा की जनता के ने बहुत सी निवेदन किए, बहुत से लोगों ने हमारे से संपर्क किया, उन्होंने मुझे भी कोशिश की कि हम स्थानीय ये वो करना चाहते हैं, लेकिन बाद में लोगों ने कहा कि अगर हमारी बेटी को मौका मिलता है तो इससे बड़ा मौका जीवन में कोई नहीं मिलेगा। विकास की गति जो उधेरा में आज तक रुकी रही है, जो काम कोई करवा नहीं सका, उधेरा बहुत बड़ा पावर हाउस बनेगा। अगर यहाँ से कांग्रेस पार्टी और माननीय मुख्यमंत्री मान जाते हैं कि वो हमें एक अवसर दें तो उधेरा का विकास नहीं हुआ है, और ये हो सकता है कि उधेरा का भाग्य रहा हो, भाग्य किसी का होता है लेकिन किसी का खराब पड़ा होता है, हो सकता है कि उधेरा के भाग्य में रूलिंग पार्टी का पहली बार आशीर्वाद मिले, और वो भी मेन पावर हाउस यहाँ पे बनेगा तो उधेरा का विकास 4 गुना विकास होगा और कई गुना बढ़ जाएगा, और उसी को गति देने के लिए आज ये बुद्धिजीवी लोग मेरे साथ इकट्ठे हुए हैं, और उनका मुख्य उद्देश्य यही है कि हम अपील करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री या कांग्रेस पार्टी इस बात पे विचार करे और इस बात की घोषणा करे कि हमारी बेटी को एक अवसर जो है उधेरा से दिया जाए और उनको यहाँ से प्रत्याशी बनाया जाए। वो राजनीतिक सूझबूझ रखती हैं और निपुण हैं, और विकास के लोग चाहते हैं कि उधेरा के लिए ये जो उन्नति का अवसर है शायद ही कभी मिल पाए। मतलब आप ये मांग कर रहे हैं कि सीएम की धर्मपत्नी को, हमारा माननीय मुख्यमंत्री से उद्देश्य ये है, मेरे हाथ जोड़कर माननीय मुख्यमंत्री, मेरा नहीं, ये तमाम जनबुद्धिजन जो लोग बैठे हुए हैं, ये सारे उच्च पदों से रिटायर्ड हैं या पंचायत फंक्शनरी से संबंधित हैं, कम से कम 25 से 30 पंचायतों के प्रतिनिधि जो लगातार ये संपर्क कर रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह किया जाए कि वो अपनी धर्मपत्नी और हमारी बेटी उधेरा से जो चुनाव लड़ाएं और हमें विकास में भागीदार बनने का मौका दें। तो उसी का उद्देश्य ये आज की जो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस है, यहाँ पहले तो आपने भी घोषणा की थी कि आप भी प्रत्याशी, मैंने सारा कमलेश ठाकुर क्यों आप, इसीलिए कि उधेरा में जो विकास जो रुका हुआ है उसको जो तीव्रता देने के लिए, हर आदमी का अपना अपना पॉलिटिकल इंटरेस्ट रहा होता है, लेकिन सारी कैलकुलेशन के बाद हमने उधेरा के विकास पर जो अपने जो निजी भावनाएं हैं उनको हमने साइड पे रखकर, हमारा उद्देश्य उधेरा का विकास है, व्यक्तिगत विकास हमारा उद्देश्य नहीं है। उसी श्रेणी में नाम आपका भी चल रहा है, यस, नाम चलना सेकेंडरी है, लेकिन जब 4 आदमियों के बीच में इस पर विचार वटांदरा हुआ, बुद्धिजीवी लोगों के विचार जो है वो इकट्ठे हुए, उन सभी का ये निर्णय आया कि इससे बढ़िया मौका उधेरा के विकास के लिए नहीं मिल सकता, और हम चाहेंगे